वेलकम व्यूअर्स माय नेम इज़ मोहम्मद इसाक रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आई हैड थॉट ऑफ डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ दिवान सीमेंट टुडे बट आई हैड टू जस्ट डिले दैट बिकॉज ऑफ टू थ्री थिंग्स और वो दो तीन चीज़ें क्या हैं वो दो तीन चीज़ें दो तीन शेयर्स हैं एक्चुअली एक साजगार इंजीनियरिंग उसका टारगेट पूरा हुआ है जो मैंने शॉर्ट टर्म दिया था और उसके अलावा पी के बारे में जो मैंने बोला था एंड मैंने ख़ुद परचेज भी किया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइव से ऊपर चला गया और उसके अलावा हम नेटवर्क को डिस्कस करना था और जब मैंने साजगार इंजीनियरिंग का आ, बताया आपको कि इसका शॉर्ट टर्म टारगेट अबव हंड्रेड रखें आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म दैट टाइम इट वाज इन सेवन यू कैन चेक दोज वीडियोज़ ऑफ साजगार इंजीनियरिंग माई चैनल और उसके अलावा जो मैंने पी के बारे में डिस्कस किया था वो के Electric के नाम से के Electric फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से एक वीडियो पड़ी होगी मेरे चैनल पे यू कैन चेक दैट ओवर देयर और ये उस वक्त चार रुपए से नीचे था और आज पाँच रुपए से ऊपर पी चला गया साजगार एक सौ तीन रुपए पे अपर लॉ गया अलहमदिल्ला और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आई है इनकर लॉसिस इन स्टॉक मार्केट मैनी अ टाइम और मैं ख़ुद को आई डोंट सी माई सेल्फ एज एन एनालिस्ट आई जस्ट शेयर विद यू वट आई एम बाइंग वट आर माई टारगेट्स द पर्पज़ भी यही है दैट पीपल डोंट इनकर कर लॉसिस बिकॉज दे आर इग्नोरेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो यही uh, मैं कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में अब स्पेसिफिकली अगर बात करें शेयर टू शेयर तो साजगार इंजीनियरिंग इस वक्त उन्होंने गाड़ी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार, कार बनाने का भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है और एक न्यूज़ भी थी अब और के पी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टर्स को इजाज़त दे दी है कि आप अपनी ऑपरेशंस रिज्यूम करें और साजगार की फैक्ट्री दोबारा चल पड़ी है और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो भी मीट हो चुका है और साजगार एक ऐसा शेयर है साइजों की बात करें जो Uh, रिक्शा मार्केट में का, काफ़ी हद तक यू कैन से टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट होल्ड्स मोनोपोली इन द मार्केट और इसके अलावा ये uh, शेयर को काफ़ी ऊपर रखते हैं आल दो इसके फ्री फ्लोट भी अच्छे खासे हैं परसेंटेज में अगर आप जाके देखें वेबसाइट पे लेकिन कभी ये साजगार इन इन्होंने uh, रिक्शा एम्बुलेंस बना के मार्केट में अपना शेयर उठाया कभी uh, डिफरेंट चीज़ों में और लास्ट टाइम 2017 में इसे 100 के आसपास देखा गया था एंड इन नो टाइम इट वेंट एज हाई एज 350 फिफ्टी रुपीज़ इसीलिए साजगार एक बड़ा अच्छा शेयर है और अभी राइट शेयर्स होने की वजह से ये काफ़ी नीचे चला गया बट इट इट वुड अगेन गो हाई बट इन वेरी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए ये इसका टारगेट यही था अब हंड्रेड यू कैन स्टिल टेक रिस्क ऑफ होल्डिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म अब आते हैं पी आई ए की तरफ मैंने जैसे uh, दो शेयर्स बार बार कहे के एल और पी आई ए और मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं और वीडियोज़ में भी मैंने डिस्कस किया और जिन लोगों ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट में हैं जो लोग मैंने उन्हें भी बार बार कहा तो कुछ लोगों को uh, यकीन नहीं आ रहा था कि पी आई ए कैसे ऊपर जाएगा और फारचुनेटली पी आई के रिजल्ट्स आए और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डेड उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट uh, शो किया लोग कह रहे हैं तो लेकिन इसके अलावा भी इसने फ्लाई करना था क्योंकि ये इसका लोएस्ट जो टच हुआ लास्ट टू मंथ्स में वो थ्री रुपीज़ था और ये सात आठ रुपए पे नॉर्मल पाया जाता है जैसे ही फ्लाइट ऑपरेशन रिज़्यूम होने थे इसने वैसे ही फ्लाई करना था और ये फिर सोने पे सुहागा हो गया कि इसके प्रॉफिट्स शो हो गए और मैं सेम बात मैंने के इलेक्ट्रिक के बारे में भी कही थी कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम के इलेक्ट्रिक भी काफ़ी ऊपर जाएगा और ये अभी भी तीन रुपए पे है तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं बट एट योर ओन डिस्क और ये डिस्क्लेमर मैं बार 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 इसलिए देता हूँ कि आप अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करें और किसी पर रिलय ना करें नॉट इवन ऑन मी पी को वैसे भी इसके बारे में काफ़ी गुड न्यूज़ में आई हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर नाइन अलेवन ये पाकिस्तान से अमेरिका में किसी डायरेक्ट फ्लाइट को इजाज़त दी गई है और ये एक महीने में, में मेरे ख़्याल से दस बारह फ़्लाइट्स की इजाज़त दी गई है पी को और ये बड़ा अच्छा साइन है इसके अलावा भी जब से अरशद मलिक साहब जो इसके सीईओ हैं जब से उन्होंने पीआईए को संभाला है और एक बड़ा अच्छा सिग्नल आया है और इसकी गुडविल भी काफ़ी बड़ी है और चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हुई हैं और जो इनके रिपेयरिंग का काम था और जो इनकी इस तरह की रिफर्बिशमेंट थी या कुछ भी कह लें इस तरह के काम थे वो इन्होंने लोकली ख़ुद ही इनके इंजीनियर्स ने काम करने स्टार्ट कर दिए और जो इनकी यूनियंस थी जो मेन हर्डल्स थी पीआईए की तरक्की में उनको भी इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया अरशद मलिक साहब ने और रीज़न वही है कि एयरफोर्स से आए हैं आर्मी चीफ की भी इनको फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट की भी ऑफ कोर्स फुल सपोर्ट है और ऐसा ही बंदा चाहिए था पीआईए में ऐसा कि मैंने पहले वीडियोस में कहा फॉर पीआईए एंड के इलेक्ट्रिक इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे टच न्यू पीक्स। ब्रीफली मैंने डिस्कस करने थे ये दो शेयर्स अब आते हैं जो असल बात थी वो है हम नेटवर्क हम नेटवर्क 1.70 पॉइंट सेवन ज़ीरो पर पाया गया पिछले दो महीनों में और उस वक्त लोगों ने पैनिक में इसे सेल करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद विदिन टू थ्री डेज़ ये हमें जब टू थ्री डेज वो काउंट कर रहा हूँ जब इसने अपर लॉक मारना स्टार्ट किए ये हमें फ़ाइव रुपये से ऊपर मिला फिर थोड़ा नीचे आया चार साढ़े चार पे तो उसके बाद फिर से इसने फ्लाई करना स्टार्ट किया और ये मेरे ख़्याल से बारह तेरह रुपये पर चला गया लोगों ने मुझसे पूछा तो मेरी अपनी राय थी हो सकता है वो गलत भी हो सकती थी ठीक भी हो सकती थी लेकिन मैंने उनको बताया मैंने 1.9 तक ख़रीदा था यानी जब नीचे जा रहा था तो 2.5 पे भी 2.3 पे भी 2.1 पे भी यू कैन चेक माय लास्ट वीडियोस ऑफ हम नेटवर्क टू वेरीफाई दिस फैक्ट्स और मैंने 5.1 पे इसे सेल कर दिया था और क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था तो लोगों ने जब रीज़न पूछी तो मैंने यही कहा कि मैनिपुलेशन है कोई न्यूज़ नहीं है कोई चक्कर नहीं है कोई ब्रोकर घुसा हुआ है और और मैनिपुलेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती पूरी दुनिया की मार्केट्स में होती है मैनिपुलेशन का मतलब ही यही होता है कि आप एक शेयर को आर्टिफिशली ऊपर ले जाने की कोशिश करें बाइंग बढ़ा के और लोग जब अट्रैक्ट हों तब तक ये काफ़ी ऊपर जा चुका होता है तब आप उनको पकड़ा के निकल जाएं <coughs> प्रॉफिट अच्छा खासा कमा लें छः सात गुना ये तो बल्कि उससे भी इतना ही बनता है या उससे भी ज़्यादा बनता है तो वही हुआ अब लोअर लॉक लगने आज से स्टार्ट हो गए मे बी ये अब बीस पे भी जा सकता है और ये वापस पाँच पैसे नीचे भी जा सकता है दैट्स नॉट माई थिंग टू डू और ये आप खुद ही देखें अगर आपने उठा लिया है क्योंकि मैं तो आ, मेरी बाइंग नहीं बनती थी इसलिए मैंने बताया कि आई वॉन्ट बाय इवन एट सेवन एट रुपीज़ लोग इसकी बार बार रीज़न पूछते हैं कि आप क्यों नहीं उठाना चाहते सात आठ रुपए पर वो रीज़न ये है इन द वेरी लॉन्ग टर्म दिस शेयर इज़ वेरी गुड शेयर और उसकी रीज़न ये है इनका हम न्यूज़ काफ़ी चल रहा है आल मीडिया इज़ इन क्राइसिस और ये ड्रामाज और मूवीज से भी कमा रहे हैं जो इनका हम मार्ट है ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर वो अभी सिर्फ कराची में ऑपरेट कर रहा है और इसने अभी पूरे तरीके से ऑफटेक नहीं किया इस पर ट्रैफिक नहीं है इतनी ज़्यादा तो इसी वजह से अभी जो इनके कैपेक्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैपेक्स कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो कंपनी के ऑपरेशंस को ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं और ये लॉन्ग टर्म होते हैं और इसके फ्रूट्स या रिजल्ट्स कह लें ये भी लॉन्ग टर्म में आते हैं तो इसके अभी रिज़ल्ट आना अच्छे स्टार्ट नहीं हुए तो कंपनी अभी कैश ड्रेन सिचुएशन में है कैश नहीं है इनके पास और पहले मुझे आठ नौ रुपए का ये स्ट्री अटैक करता था क्योंकि तब तक इन्होंने अपने ये दो वेंचर स्टार्ट नहीं किए थे और ये एक रुपए डेढ़ रुपए या इवन पचास पैसे भी इससे डिविडेंड कैश डिविडेंड एक्सपेक्टेड होता था इस वजह से ये नौ रुपए दस रुपए ग्यारह रुपए पर भी लोगों को बड़ा अप्रेटिव और अट्रैक्टिव लगता था लेकिन अभी क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है स्टेबल जो शेयर होता है वो जब लोअर लॉक लगाता है तो उसके पीछे भी सर्टन रीज़न्स होनी चाहिए तो जिस तरह इसके अपर लॉक की कोई रीज़न्स नहीं थी इसके आज लोअर लॉक की भी कोई रीज़न नहीं है और यही रीज़न है कि इंडिविजुअल्स uh, को अब माल पकड़ाना हम नेटवर्क का स्टार्ट हो गए हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग कह रहा हूँ आई वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल चाहे ये अब बीस पे चला जाए चाहे ये पाँच पे चला जाए आई एम जस्ट शेयरिंग कि मुझे इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर बहुत नीचे मिल फिर मैं लूँगा मार्केट की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट कल नेगेटिव में थी आज प्लस में थी और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को एडवाइस किया है कि मार्केट में जब दो तीन दिन मंदी हो वॉल्यूम ना लग रहा हो मार्केट नेगेटिव में हो उस दिन ज़रूर बाइंग किया करें उस दिन बाइंग मंगती है और जब चार पाँच दिन या एक वीक ऐसे रैली हो अपर ट्रेंड की तो चार पाँच दिन बाद एक वीक बाद जब काफ़ी ऊपर मार्केट चली जाए आपके शेयर्स भी काफ़ी ऊपर चले जाएँ तो होपफुली तब तक आपके कुछ टारगेट्स भी मीट कर चुके होते हैं उस वक्त आप सेल किया करें यही और है जिसका मुझे डर होता था और मैं डिस्कस भी करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक शेयर अपनी रन जब पूरी कर रहा होता है उस वक्त आप ख़रीद रहे हो जैसे हम नेटवर्क में हुए ये दो रुपये से उठा इवन दो रुपए से भी नीचे और ये बारह तेरह रुपये पे गया और आपको उस वक्त ख्याल आया इसे बाय करने का तो आई एम अगेन सेंग मे बी ये पचास पे भी चला जाए सौ पे भी चला जाए अगर आपको अच्छा लगता है तो रखें आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू आई एम जस्ट गिविंग माई व्यू पॉइंट और सेम गोल्स फॉर अदर शेयर एक शेयर का एक रन uh, टाइम होता है वो जब पूरा कर चुका होता है कुछ लोग उस वक्त बाय कर रहे होते हैं तो उस वक्त फिर बाय करने से आपको अगर नुकसान ना भी हो तो वो फ़ायदा नहीं होता तो, आप मुझे कहें कि डी जी खान सीमेंट एटी सेवन रुपीज़ या नाइन्टी रुपीज़ पे इस टाइम पे बाय करो मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स इसके और ज़्यादा अच्छे हो जाएँ और ये वन फिफ्टी का इसका टारगेट बन जाए तो फिर तो ज़ाहिर है ये पैसे डबल करने वाला होगा नाइन्टी पे भी लेकिन मैं इस टाइम पे इसलिए इस कह रहा हूँ क्योंकि अभी दो तीन माह पहले इसका लोवेस्ट फोर्टीज़ में था तो मैं तो बाय नहीं करूँगा चाहे हो सकता है मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस अपर्च� कर रहा हूँ बहुत बड़ी लेकिन मैं इसकी बाय नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने फोटीज़ में भी बाय नहीं किया मैंने फ़िफ्टीज़ में भी बाय नहीं किया मैंने सिक्सटीज़ में भी बाय नहीं किया मैंने सेवेंटीज़ में भी बाय नहीं किया और मैं नाइन्टीज़ या एटीज़ में क्यों बाय करूँ जाके लेकिन कुछ लोग उस वक्त भी ख़रीद रहे होते हैं और बाद में उनको नुकसान भी हो रहा होता है फिर वो पूछ रहे होते हैं कि सीमेंट सेक्टर इज़ नॉट गुड या ऑयल सेक्टर इज़ नॉट गुड लेकिन आप एक शेयर की रन टाइम को देखा करें अब इसी तरह हम नेटवर्क में भी हुआ अब आप बारह तेरह रुपये पे यार इसकी कैसे बाइंग बनती है हाँ इसके अगर फंडामेंटल्स चेंज हो जाए आज ही इसका हम आउट ऑफ टेक कर जाए और बड़ा ज़बरदस्त चलने लग जाए और ये कराची के बाद लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद मुल्तान कोटा पिशावर इन जगहों पे भी चला दें और बेहतरीन चल जाए और इसके हम न्यूज़ से भी बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाए फिर तो ये पचास का भी कम होगा लेकिन इन सिचुएशन में जबकि ये कंपनी के पास कैश नहीं है कंपनी क्राइसिस में ओवरऑल पूरे मीडिया सेक्टर क्राइसिस में तो इस टाइम पे कैसे यार इसकी बारह तेरह रुपए की बाइंग बनती है अगर बनती है आपके नज़दीक तो गुड लक फॉर देट लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता इसलिए मैं नहीं समझता कि इसकी इन रेट्स पे बाइंग बनती है ओवरऑल मार्केट में जो uh, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरी इवन मार्केट्स हैं वर्ल्ड लेवल पर उसमें भी अब कुछ बेहतरी नज़र आना स्टार्ट हुई है जो मैं कहता था कि मीडियम टर्म आउटलुक अच्छी नहीं है वो अब चेंज होना स्टार्ट हो गई और उसकी रीज़न क्या है कोरोना वायरस की कल न्यूज़ आ रही थी और बड़ी अथेंटिक न्यूज़ थी वैक्सीन के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसके अलावा जो एक एक कर्व थी जो डेथ है की काफ़ी ऊपर जा रही थी वो अब नीचे आना स्टार्ट हो गई तो इसकी जो फ़िज़ा थी वो बदलने लग गई है और पूरी दुनिया अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और होपफुली विद इन फ्यू वीक्स ये बिल्कुल हर चीज़ ओपन हो जाएगी और उसके अलावा यही सिचुएशन है कि अमेरिका ने भी दूसरी तरफ प्रेशर डाला किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पे कि आप अपनी प्रोडक्शन कट करें वरना हमारे आपके सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और उन्होंने अब काम करना भी स्टार्ट कर दिया है सऊदी ने इस पर और कल न्यूज़ आ रही थी जो दुनिया की सबसे बड़ी उनकी जो ऑयल uh, फील्ड है जिस पे कुवैत और सोदिया मिल के uh, काम कर रहे थे उस पे उन्होंने प्रोडक्शन जो थी वो हाल्ट करनी स्टार्ट कर दिया कम करनी स्टार्ट कर दिया और मे बी यही रीज़न हो क्रूड को अब हम 30 प्लस पे देख रहे हैं और दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट और मार्केट जब ऊपर जा रही हो तो उस वक्त खुशी का इजहार करना चाहिए शुक्र का इजहार करना चाहिए और जब बहुत नीचे आ रही हो उस वक्त बाइंग करनी चाहिए जाए पैनिक करने के गुड न्यूज़ पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर बात करें तो वो ये भी है इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ और बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में है बैंकिंग सेक्टर पे आप बाई कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर पे इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई एम बाइंग और आई वुड बाय तो मैं तीन चार शेयर्स के नाम लूँगा बैंक ऑफ पंजाब बैंक ऑल फला यू और सिल्क पे भी शॉर्ट टर्म आप हाँ ले सकते हैं और एक रुपए का टारगेट रख के या एक रुपए से थोड़ा ऊपर और इसके अलावा दूसरे जो सेक्टर्स हैं इन में अगर बात करें तो उनमें काफ़ी अब तेज़ी नज़र आई है और लॉन्ग टर्म की जैसे हमने पहले भी बात की थी लॉन्ग टर्म में मुझे लोटे केमिकल्स बड़ा अट्रैक और एफ एफ बी एल भी अगर बिलो फिफ्टीन फोटीन दोबारा आपको मिले या मुझे मिले तो आई आई वुड डू अ बाइंग और अगर रिस्की शेयर्स की बात करें जिस तरह मैंने बैलेंस पोर्टफोलियो वाली वीडियो का बार बार मुझे देना पड़ता है आपको रेफरेंस तो वो अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी है लेकिन यहाँ ब्रीफली बता सकता हूँ टू तो सेव यू सम ट्रबल कि आप दोबारा जाके वीडियो ना देखें वो यही है कि उसमें जो मैंने पोर्शन बताया था रिस्की शेयर वाला उस पर मैंने भी रखा हुआ है आप लोग भी रख सकते हैं उसमें मैंने कैपको को रखा हुआ है कुछ डिविडेंड भी आ जाएगा अगर खुदा ना खासा फेवरेबल एग्रीमेंट्स रीन्यू ना भी हुए लेकिन क्योंकि कैपको इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम सेकेंड टॉप मोस्ट में है जो इतने ज़्यादा मेगावाट्स जो बना रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कैंसल करेंगे या हमारे पास एकदम से कोई डैम बनना नहीं स्टार्ट हो गए मतलब अभी डैम बनने में टाइम लगेगा इसके साथ फेवरेबल एग्रीमेंट ना करें तो हो सकता है कम फेवरेबल हो लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ कि एग्रीमेंट ना हो इस वजह से मैंने थोड़ी सी इसमें भी रिस्की इन्वेस्टमेंट की हुई है रिस्की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरी रिस्क एपीटाइट मेरी काफ़ी ऊपर है इतने सालों से काम कर रहे हैं और मैं अब लॉस करने के लिए भी तैयार होता हूँ लेकिन फ़र्क ये है मैं अपने 50 परसेंट हंड्रेड परसेंट सेवेंटी परसेंट या इवन 30 परसेंट भी रिस्की शेयर्स में नहीं डालता जस्ट थोड़े थोड़े पोर्शन डाल दिए थोड़ा सा दीवान सीमेंट ले लिया थोड़ा सा कैप को ले लिया कि अगर लॉस हो भी गया तो बर्दाश्त कर लेंगे और माइंड uh, में स्टॉप लॉस भी रख लिए थोड़े से लॉन्ग इवन फॉर द लॉन्ग टर्म आल्सो सो मैंने जो लास्ट वीडियोस में आपको कहा था कीप ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वो इधर अप्लाई होती है कि अगर ये कैब को बिलो सेवेंटीन एटीन गया तो मैं सेल कर दूँगा लॉस बर्दाश्त कर लूँगा कोई बात नहीं है होता रहता है और लेकिन लॉस होने के चांसेस अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं हो सकता है ये गलत हो बट एंड आई एम आई एम जस्ट टेलिंग यू वट आई फील अबाउट दैट कैपको में लॉस होने के जो चांसेस हैं ना वो मुझे थर्टी परसेंट मुझे थर्टी परसेंट लगते हैं और सेवेंटी परसेंट इस बात के चांसेस हैं कि ये थर्टी से ये ऊपर जाएगा फोर्टी से भी जा सकता है फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म अगर फेवरेबल एग्रीमेंट हो गया और उसके अलावा आप देखें तो गुल अहमद टेक्सटाइल बड़ा ज़बरदस्त उसकी रीज़न ये है जो निषात मिल्स है वो तो ऊपर चला गया सेवेंटी प्लस हो गया एटी प्लस पे भी चला गया था लेकिन गुल अहमद टेक्सटाइल का जो लोएस्ट था अमेरिका से ट्वेंटी के ट्वेंटी वन था और ये अभी भी आ, सत्ताईस अठाईस रुपये में मिल रहा है तो अगर सत्ताईस से नीचे इवन आ, करंट रेट पे भी बड़ा अच्छा है फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म आप 50 का टारगेट रख सकते हैं क्योंकि जैसे ही ये दोबारा ओपन तो होनी है ना चाहे कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि ईद के बाद में भी दोबारा लॉकडाउन हो जाए तो अगर दोबारा हो भी जाए तो उसके बाद भी आखिर ओपन तो होना है ना वी कॉन्ट सिट इन द लॉकडाउन फॉर एवर तो इसके लिए इन शेयर्स पर नज़र रखें और थैंक यू वेरी मच